चलो अब हम बात करते हैं, अगर हम लोग यहाँ से अगर एक कर्व ड्रॉ करें, तो अब ये कर्व हमें थोड़ा कुछ इस तरह से मिलने वाला है। यहाँ से ये सभी पॉइंट्स को कवर करते करते हैं, ले सभी पॉइंट्स को धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कवर करते। अरे बहुत हाइपर सेंसिटिव हो गया मेरा पैड तो। हाँ अब देखो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, फिर ये यहाँ से कुछ इस तरह से आ रहे हैं, समझ रहे हो बात। आज तक ऐसी खराब रहेंगी जो, चलो आप समझ सकते हैं, आप टेक्स्ट बुक में देख लो एक बार क्या चीज है। यहां से ऐसे आ रहा है, ये ग्राफ हमें कुछ ऐसे मिला, आप समझ सकते हो। ओके हाँ एक्स है, अभी जीरो नहीं हो जाएगा, थोड़ा तो रहेगा इस तरह से। अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ बच्चों, एग्जैक्टली बात यहाँ पे ये बन रही है, बात यहाँ पे ये बन रही है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ, अगर मैं आपको बताऊं, कोई थ्योरी, ये कौन रो रहा है भाई, मुझे प्रोडक्ट बढ़ानी है, तब मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, टेम्परेचर बढ़ा यस टेम्परेचर। तो उससे क्या होगा, जो फ्रैक्शन ऑफ मोलेक्यूल्स है, तो यहाँ पे मैं किसके वर्सेस किसका ग्राफ दौड़ूंगा, एनी बाय एंटी वर्सेस, एनी बाय एंटी वर्सेस, मैं टी का टेम्परेचर का कर्व ड्रॉ करूंगा। तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल के पास आ गई है। अब समझे मेरी बात पूरी, यस और नो, आया ना, यस सर, यस, ये वाली बात बन जाती है। Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. That's all. अब बताओ, चलो अब अगर आपको कोई डाउट है तो बता सकते हो। तो ये बोल्ट्जमैन कर्व बोलते हैं, और ये आपको दिखाता है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन होती है। अब मैं आपको बता दूं, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिवेशन एनर्जी, तो मिनिमम एनर्जी चाहिए। तो 11th में आई वो तो हाँ, अगर H2 प्लस I2 है, अब आप समझो H2 प्लस I2 है तो क्या होता होगा एग्जैक्टली। चलो इसके लिए मुझे नया और क्वेश्चन, नया क्वेश्चन, अब मुझे आपका एक्टिवेशन एनर्जी समझानी है। तो H2 प्लस I2 है, तब क्या होगा, ये बीच में क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और फाइनली ये 2HI में कन्वर्ट होगा। कैसे होता है, सबसे पहले रिएक्टेंट होता है, फाइनली प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे HH के साथ कौन है, II है, तो ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और फाइनली आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट, ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, ये रिएक्टेंट है, ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है, और ये कौन सा है, प्रोडक्ट है। अब इनकी मैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का टेम्परेचर के साथ, और आई कैन से पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस, मैं किसका कर्व ड्रॉ करूंगा बताओ, रिएक्शन एक्सिस, रिएक्शन जो टाइम के साथ, रिएक्शन टाइम भी ले सकते हो और रिएक्शन। तो सबसे पहले और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, स्टेडी स्टेट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब आप समझ सकते हो कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, यहाँ पे ऐसे ही मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्या होंगे, पहले तो कोलिजन होगा, तो प्रॉपर एनर्जी के साथ कोलिजन होगा, और ये इंटरमीडिएट बना देंगे, ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन गया इस पोजीशन पे। यहाँ पे रिएक्टेंट है आर, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे इंटरमीडिएट है आई, और फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाने वाले है बताओ, फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाने वाले है, HI में। तो ये वाला यहाँ पे H2 प्लस I2 है, यहाँ पे पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पे 2HI में क्रिएट हो जाएंगे। अब बात यह है, इन दोनों के एनर्जी लेवल डिफरेंस होता है, इन दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी में डिफरेंस होता है, लेकिन मैं डायरेक्टली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में नहीं जा सकता। आप देख सकते हो क्या मैं यहाँ से ऐसे डायरेक्टली गया, नहीं, रिएक्शन होने के लिए मिनिमम इतना बैरियर तो चाहिए ही, अगर इतनी एनर्जी उनको मिलेगी तब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। आ रही है बात समझ में,
तो यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो मैक्सिमम एनर्जी होती है। पहले एनर्जी धीरे 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 बढ़ेगी, एक टाइम मैक्सिमम एनर्जी आएगी और फिर एनर्जी कम होगी। तो जिस पॉइंट पे मैक्सिमम एनर्जी है वो है इंटरमीडिएट, ये ज्यादा स्टेबल नहीं रहता है। तो यह तो दो पॉसिबिलिटीज है, वापिस रिएक्टेंट दे दे या प्रोडक्ट दे दे, तो यहाँ से हमें वापिस प्रोडक्ट मिल सकती है। तो प्रोडक्ट की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन हाँ अगर आपको रिएक्शन कंप्लीट करनी है तो आपको इतनी एनर्जी तो एक्वायर करनी ही पड़ेगी और उसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं बच्चों। एंड एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये कब आपको एक्टिवेशन एनर्जी में, ये रिएक्शन, फिर ये पूरी मैकेनिज्म और ये पूरा ग्राफ जो है वो आपको अच्छे से समझाना है, जैसे हमने यहाँ पे समझा रखा है। देखो एक्सप्लेन द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फ्रॉम द इंटरमीडिएट्स कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे एक्टिवेशन रख देना बच्चों, एच टू प्लस आई टू इट गिव्स यू अ 2H है। यहाँ पे रिएक्टेंट है प्रॉपर डिरेक्शन में, जब ये कॉलाइड कॉलिजन होगा तब यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, फिर ये प्रोडक्ट देंगे, फिर आपको ये ग्राफ समझाना है और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स और रिएक्टेंट की एनर्जी में जो डिफरेंस है यही ई है, यहाँ से इतना इतना है ई है। ओके आप देख सकते हो ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स ये वाला माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से लेके कहां तक, कॉम्प्लेक्स तक की जो एनर्जी का गैप है उसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रिएक्टेंट रिएक्शन इन ई ए, द कॉलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद अ मोर काइनेटिक एनर्जी देन ई ए रिजल्ट इनटू प्रोडक्ट। आपकी प्रोडक्ट कौन बना पाएगा तो मुझे बताओ, आपकी प्रोडक्ट कौन बना पाएगा, जो कोई भी मॉलिक्यूल्स है जिनकी एनर्जी ईए की एनर्जी से ज्यादा है, जो कोई भी मॉलिक्यूल की एनर्जी ईए से ज्यादा है वही मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं। ईए से कम एनर्जी वाले हैं, मैंने आपको एक चीज बताई दी है सिर्फ रिवाइज करा हुआ, ईए से कम एनर्जी वाले हैं वो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते। तीसरा पॉइंट, ईए जितनी एनर्जी हो उससे ज्यादा हो तब वो प्रोडक्ट बनाएगा, और उसे क्या होता है कि आरहेनियस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से कोरिलेट होता है ये चीज यहाँ पे हमने देखी, ये तो हमने देखी भी, ये वाली बात है। तो ये वाला पूरा क्वेश्चन किसके ऊपर था, एक्टिवेशन एनर्जी, ये वाला जो हमने पूरा बोल्ट्ज़मैन का देखा वो वाला, आप समझ रहे पूरी की पूरी ये बात। देखो पहले ये देखो डार्क ब्लू वही जा रहे थे, लेकिन जब आपने 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल क्यों हो जाता है, सपोज आपने 10 डिग्री बढ़ा दी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी विल इंक्रीज। एक्टिवेशन एनर्जी जिसकी ज्यादा होती है वैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं तो रेट बढ़ जाता है, और वो कौन से फॉर्म में आप लिख सकते हो, रेट वाला अगर आपको लिखना ही है तो आप क्या लिख सकते हो बताओ, के इज इक्वल टू ए इंटू Now is it clear? आप बताओ, आज की पीडीएफ बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एक बच्चा आज का होमवर्क करके मुझे भेजेगा, मेरे नंबर पे भेजना है, मेरे वाले नंबर पे, आंसर शीट वाले पे नहीं, यहाँ पे आप भेजो मुझे, एंड प्लीज डू इट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कल इसके ऊपर के जो एग्जाम्पल्स है वो मैं दिखाऊंगा, और फिर हमें कैटलिस्ट के बारे में भी तो पढ़ना है, ठीक है, फिर हमें किसके बारे में पढ़ना है बच्चों, कैटलिस्ट, ऑलरेडी वी हैव लर्न इट, सो डोंट वरी अबाउट इट, हमने कैटलिस्ट के बारे में चैप्टर 5 में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, फिर भी हम लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ओके लास्ट 3 लेक्चर का बाकी है अभी, 3 लेक्चर, यस ठीक है, उसके बाद हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी, इनऑर्गेनिक टी ब्लॉक्स आई विल
आई विल ट्राई, मुझे पहला सोचने दो क्या सिचुएशन है। ओके एनसीईआरटी सर जो भी चार